हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कोकोनट चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल ऑन योर बिजी वीक डेज मॉर्निंग। लेट मी शो यू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ इट। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू मेक कोकोनट चटनी। आई हैव टेकन डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है, यू कैन यूज फ्रेश कोकोनट, बिकॉज आई यूज डेसिकेटेड कोकोनट बिकॉज आई लव द टेस्ट ऑफ इट। एंड हैव टेकन सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़े से हैव टेकन दिस रोस्टेड चना दाल जो आती है। दिस इज ऑप्शनल, इफ यू हैव यू यूज इट, इफ यू डोंट हैव यू कैन स्किप इट। और फिर हैव टेकन गार्लिक क्लोव, वन ग्रीन चिली। यू कैन ऐड द ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस लेवल। इफ़ यू वॉन्ट स्पाइसी, यू कैन ऐड सम मोर ग्रीन चिली। एंड हैव टेकन फ्यू कोरिएंडर लीव्स और थोड़ी सी इमली ली है। एंड दिस आई वुड बी ग्राइंडिंग टुगेदर। और फिर टेम्परिंग के लिए मैंने लिया है, जिसको तड़का भी बोलते हैं, ऑयल चाहिए। एंड देन यू नीड मस्टर्ड, उड़द दाल, चना दाल, ड्राई रेड चिली एंड फ्यू करी लीव्स। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चटनी। जो सारे तड़के के इंग्रीडियंट्स हैं मैंने उसको साइड में रख दिया है। नाउ आई विल ग्राइंड कोकोनट, सॉल्ट और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैं इनको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। नाउ आई विल जस्ट ग्राइंड ऑल ऑफ दिस बाय एडिंग अ लिटिल वाटर। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, हमारी चटनी बनके तैयार है। Now I've taken out the chutney in a separate bowl. I'll add some water. Now I've mixed the chutney with little bit of water. Now we'll do the tempering of it. अभी हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैं गैस ऑन करके तड़का पैन को गर्म होने रख दूंगी। जैसे ही तड़का पैन गर्म होता है आई विल ऐड ऑयल इन टू इट। नाउ आई विल वेट फॉर द ऑयल टू हीट अप। अभी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें जो सारी टेम्परिंग की ये थे इंग्रेडिएंट्स सारे डाल दूंगी। आई विल कीप इट ऑन द लो फ्लेम एंड फ्राई द टेम्परिंग टिल दे बिकम नाइस एंड गोल्डन ब्राउन। अभी हमारी टेम्परिंग बनके बिल्कुल तैयार है। नाउ आई विल स्विच ऑफ द फ्लेम एंड इसको मैं चटनी में डालूंगी एंड गिव इट अ क्विक मिक्स। अभी हमारी यम्मी कोकोनट चटनी बनके बिल्कुल भी तैयार है। आप इसको इडली के साथ, डोसे के साथ या इवन विद अ प्लेन राइस ऑल्सो इट गोज वेल। आई लव दिस डेसिकेटेड कोकोनट चटनी बिकॉज मुझे तो बहुत ही पसंद है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू कैन जस्ट रिप्लेस डेसिकेटेड कोकोनट टू दी फ्रेश कोकोनट। वी आर आई लव दिस, सो दैट्स व्हाई आई थॉट व्हाई नॉट आई शेयर इट विद यू गाइस आल्सो। सो डू ट्राई आउट माय रेसिपी एंड लीव मी अ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर रेसिपी। टिल देन यू गाइस टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।